तो हमें बताना चाहेंगे इजाद लैब से फ्यूचर फेस्टा की जर्नी कैसी थी आ, बड़ा अच्छा सवाल है मैं माइक पकड़ लेता हूँ ताकि आसान हो जाए सो हमने इजाद लैब शुरू किया दो हज़ार अठारह में आई थिंक विद गोल के यू you नो know, कोई इदारा होना चाहिए जो इनोवेशन को सपोर्ट करता है इनोवेशन ख़ुद भी करता है बट बेसिकली हम एक इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना चाहते थे आ, अब काफ़ी हद तक हमें लगता है कि ओवर द पास्ट सिक्स ईयर्स जो जो इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं कुछ 600 से ज़्यादा लोगों के डेलीगेशन लिखे गए हैं बाहर और जब हम बाहर इवेंट्स पे जाते हैं और वहाँ पर लोगों को मिलते हैं अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो एक बस ख़्वाब था कि यार ऐसा एक मेगा इवेंट पाकिस्तान में भी होना चाहिए ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान के लोग उससे फ़ायदा उठाएं बल्कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी को भी एक प्लेटफॉर्म मिले जिसके थ्रू वो पाकिस्तान को और जान सकते हैं अलहमदिल्ला uh, पहले फ्यूचर फेस्ट में भी जो पार्टिसिपेशन थी इंटरनेशनल कंपनीज़ की विज़िटर्स की गेस्ट की वो बहुत ज़्यादा थी हिस्टोरिक थी और दूसरे में को 200 मिलियन प्लस की इन्वेस्टमेंट्स भी आ गई और उससे हमें लगा कि शायद जो है यू नो किसी को सिर्फ स्टार्ट करने की ज़रूरत थी डिमांड ऑलरेडी मौजूद थी इस मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटी है और ये वो मोटिवेशन थी जिसकी वजह से हम इजाद लैब से फ्यूचर फेस्ट तक आ गए और अब फ्यूचर फेस्ट हमारा सबसे बड़ा इवेंट भी है सबसे बड़ा ब्रांड भी है और उसके थ्रू हम बहुत सी आ, अच्छे ख़्यालत को अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और स्टेज पे लेके आते हैं और एक ऐसी ऐसी गैदरिंग करते हैं जहाँ पर जो सारे लोग हैं वो मिल के आ, एक मुस्बत मुस्तबिल को बनाने की आ, कोशिश करें तो so, आप आई इंडस्ट्री को अगले पाँच साल में कहाँ तक देखते हैं सो जिस तरह जो आईटी इंडस्ट्री है या फ्रीलांसिंग है रिमोट जॉब्स है क्रिप्टो करेंसी तो बहुत से यू uh, नो you know, बहुत सी चीज़ें हैं डिजिटल इकोनॉमी की जब आप बात करें uh, मुझे लगता है कि पिछले पाँच साल में जितनी तरक्की दुनिया में हुई है और फिर जितनी पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो इंटरनेट अडोपशन में ग्रोथ है जो यंग पॉपुलेशन है हमारी जो Uh, इतने ज़्यादा कंपनीज़ आई हैं और ये अगले पाँच साल में कोई हंड्रेड एक्स हो जाएगा uh, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आज अगर अभी भी सौ से ज़्यादा मिलियन लोगों के पास पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट नहीं है तो मुझे लगता है कि पाँच साल के अंदर अंदर ये मसले सारे ख़त्म हो जाएंगे uh, चाहे कोई सपोर्ट मिले या ना मिले क्योंकि ये एक ऐसी रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी की एक्सेस टू इंफॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन एज की जिसे रोका नहीं जा सकता जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और हमें ऑलरेडी इसके इफेक्ट नजर आ रहे हैं और यही वो रेवोल्यूशन है जो इस मुल्क को भी आगे लेके जाएगी तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कुछ सजेशंस यंग so, uh, लोगों के लिए सिर्फ एक सजेशन है कि आप बड़े अच्छे टाइम पे पैदा हुए हैं कि जब आपको कोई डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है स्कूल कॉलेज जाने की इतने साल लगाने की ज़रूरत नहीं है बस आप जाएं कोई भी स्किल सीखें और वो प्रोवाइड करना शुरू कर दें और आज आप जो चाहें आप लिटरली कर सकते हैं पहले बड़ी लंबी जर्नी थी तो इस इंटरनेट ने इस टेक्नोलॉजी ने जिद्दत ने वो काम आसान कर दिया तो अब अगर इतना आसान और हम फिर भी ना करें तो फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते अगर सिर्फ़ एक यूट्यूब पे जाके वीडियो देखने से आपको स्किल सीख सकते हैं और उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं ग्रो भी कर सकते हैं कोई नई चीज़ इन्वेंट भी कर सकते हैं दुनिया को कोई मसला सॉल्व भी कर सकते हैं तो सिर्फ जो आपको रोक रही है वो आपकी सोच है और हमारे यूथ की यंग जनरेशन की सोच में हम चाहते हैं कि और पॉजिटिविटी आए पॉजिटिव रोल मॉडल्स आए ताकि वो इस ऑपॉरचुनिटी से इस लाइफ टाइम ऑपरचुनिटी से फ़ायदा उठाएं और शायद ये मौका इस मुल्क में इसी जनरेशन के पास है ना इससे पहले किसी जनरेशन के पास था ना इसके बाद किसी जनरेशन के पास आएगा थैंक यू सो मच फॉर टाइम थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग